हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद मैं एक ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आज जो है मैं अपने लगभग हाफ मॉर्निंग, मतलब 11-12 बजे के बाद से ही आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि आज दिन भर मैंने क्या क्या किया। और वो मेरा लगभग डेली का शेड्यूल रहता है, कभी कभी कुछ डिफरेंस हो जाता है, वरना वही रोज़ का खाना, वही रोज़ का दाल चावल, रोटी सब्ज़ी और दिन भर की भाग दौड़ जो मैं और मेरे बच्चे मेरे साथ करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बिज़ी रहना, क्योंकि फ्री रह के मैं देख चुकी हूँ, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे ख्याल आते हैं माइंड में जिनका कोई वजूद नहीं है, या हर चीज़ जो हमारे बस में नहीं है, हम चाहते हैं हम कर लें लेकिन नहीं हो पाता है, फिर वो सैडनेस, उदासी और अपने आप से, अपने डेस्टिनी से सवाल, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ये वो। तो बजाय उसके अपने आप को बिज़ी रखो, कुछ ना कुछ करते रहो, और जो आपके बस में नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन जो आप आगे बढ़ना तो आपके बस में है ना कुछ करते रहना आपके बस में है। तो बस आज जो है मैं अपने लगभग दिन भर का रूटीन, मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ रेगुलर शेड्यूल में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक देखिएगा। और जो है अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो अपने जो है इजी कुकिंग विद शालोन ब्यूटी हैक्स को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन याद से दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट मेरा अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। और सॉरी फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स कि मैं कई बार डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, और इस वक्त पता नहीं मुझे क्या शिकायत हो रही है अपने व्यूवर्स से हो रही है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, कि इस टाइम पे मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं। मतलब अभी से नहीं, लगभग 2 महीने 1.5 महीने हो गया है जब से मेरा व्यू ही नहीं जा रहा है। मतलब होता है ना, डिमोटिवेशन आ जाता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, हर वो चीज़ कर रहे हैं जो हमसे यूट्यूब मांगता है कि आपको ऐसे करना है, कंटिन्यूटी रखनी है। और मोस्ट मैं कंटिन्यूटी ज़रूर रखती हूँ, चाहे मैं शॉर्ट्स ही क्यों ना अपलोड करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मैं अपलोड करती हूँ। उसके बाद भी ऐसी मुझे शिकायत हो रही है कि पता नहीं क्या हो गया है, व्यूज़ ही नहीं जा रहे हैं। तो मेरे व्यूवर्स को क्या मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे कि मैं किस तरह के वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊं, इस तरह से बिना कुछ कहे, मतलब मेरा साथ ना छोड़ें इस तरह से। क्या है कि मेहनत, थोड़ी सी मेहनत के बाद भी एक होता है ना कि निराशा सी हो जाती है। तो फिलहाल मैंने आप लोग को और सपोर्ट करने के लिए, आप लोग के साथ अपना अनुभव और ज़्यादा शेयर करने के लिए मैंने और 2 चैनल अभी बनाए हैं। एक है शालू फिटनेस क्लास और शालू आर्ट क्लास। आर्ट मतलब चित्रकला का जो पूरा इतिहास है वो मैं पढ़ रही हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ, जिसकी मैं तैयारी करती रहती हूँ। कई बार आप लोग को बताया है TGT की तैयारी कर रही हूँ, तो वो जो है मैं उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर उसमें बताती हूँ और शॉर्ट्स में भी देती हूँ। तो शालू आर्ट क्लास को देख के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन उसके लिए भी दबा दीजिएगा किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप में से कोई भी मेरा व्यूअर पढ़ने का इच्छुक है उसके लिए बहुत अच्छा। और शालू फिटनेस क्लास, जो मैं योगा करती हूँ, एक्सरसाइजेस करती हूँ, अपने बॉडी को फिट रखने का कोशिश करती हूँ, उसमें सब बताती हूँ, वो भी आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे वीडियोज़ आप लोग इतने मन से देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत आप लोग को समझ में आ रही है। तो मेरे इजी कुकिंग विद शालू को भी थोड़ा सपोर्ट करिए। पता नहीं इस टाइम पे क्या हो गया है, अभी लगभग 15-20 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी मेहनत करी है मैंने, 1 साल 1.5 साल इतनी मेहनत करी है, उसके बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिल रहा है। तो मतलब अंदर से ऐसा लग रहा है कि बंद कर दूँ क्या, या फिर इतनी मेहनत में कई काम छोड़ के, कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी मूड ठीक नहीं होता, तो मैं फिर भी वीडियो बनाती हूँ आप लोग के लिए। मैं कुछ ना कुछ अपलोड करने के लिए और कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ नया करूँ, कोशिश पूरी करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता हर बार। तो रेगुलर रूटीन की चीज़ें भी आप लोग के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, ब्लॉगिंग भी कभी कभी कर देती हूँ, उससे क्या होता है थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। आई नो मैं कंटेंट से हट जाती हूँ, लेकिन मुझे, मैंने एनालाइज़ किया है कि आप लोग मेरे कंटेंट, मेरे ब्लॉग बहुत पसंद करते हैं। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए प्लीज़। और जो है मुझे सपोर्ट करिए, वीडियोस देखिए, और जो है बड़े वाले वीडियोस भी आप लोग पूरा एंड तक देखा कीजिए, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ या मैंने आपके साथ एग्जैक्टली क्या शेयर किया।
तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो आर्या यहाँ पे जो है ये वीणा का फोटो बनाने जा रही है। वीणा, हाँ इसको वीणा कहते हैं। इस ये पूरा है, आर्या ने दिखा दिया इसका। आर्या फोटो बनाने जा रही है, देखते हैं कितना सिमिलर रहता है ये। अरे स्टार्ट करो चार्ट पेपर पे। तक आर्या उसको थोड़ा सा बना रही है, मैं और आज अपना जो है लंच आप लोगों को दिखा देती हूँ आज मैंने क्या बनाया है। एक्चुअली लंच मेरा थोड़ी देर पहले बन चुका है, हो गया एक घंटा। तो मैंने यहाँ प्याज टमाटर की फ्राइड चटनी जैसी बनाई है, आप सब्जी भी मान लीजिए थोड़ा मसालों के साथ में। और जो है उड़द की दाल बनाई है छिलके वाली, ये देखिए। इसमें अच्छे से पहले तो सिंपल हल्का सा प्याज डाल के और नमक डाल के बॉईल किया मैंने, और उसके बाद मैंने लहसुन, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, लौंग, हींग का तड़का लगाया अच्छे से घी में। तो मैंने लगभग 4 से 5 चम्मच घी लिया था, जिसमें अच्छे से ये सब का तड़का लगाया है। उड़द की दाल से बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली दाल। तो ये रहा मेरा लंच, और इसमें देखिए मेरी रोटियाँ। तो सारा लंच जो है मेरा लगभग 1 घंटे पहले बन के तैयार हो गया है। अभी बज रहा है लगभग 1, तो मैं यहाँ पे जो है मेरा लंच तैयार हो गया है। दिन से मैंने आप लोग को अपने किचन का लुक भी नहीं दिखाया, सोचा अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने सफाई करी थी, तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। तो बताइएगा मेरा छोटा सा जो किचन है, क्योंकि ये हमारा खुद का तो है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेंटेन रखूं। हमारे आपको बॉर्नविटा के डिब्बे बहुत मिलेंगे, बच्चे बहुत पीते हैं, बिना बॉर्नविटा के वो दूध नहीं पीते हैं। तो लगभग 1.5 महीने में 1 किलो का डिब्बा आ ही जाता है, उससे एकदम ढेर लगता जा रहा है। बाकी ये सारे मेरे मसाले वगैरह के, वो अनियन एंड गार्लिक पाउडर है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो नॉर्मली जो है, और इन डब्बों में मैं भुना हुआ कुटा हुआ, एक में सौंफ है और एक में साबुत धनिया है। धनिया थोड़ा ख़त्म होने जा रहा है, मुझे और करना पड़ेगा। तो ये सब जो है, और यहाँ पे छोटे मोटे डब्बे रखे हुए हैं जिनमें मेरे छोटे छोटे आइटम रहते हैं। मुझे इस तरह से किचन मेंटेन रखना बहुत पसंद है। और यहाँ पे बाकी सभी देखिए, मेरा चूल्हा है, गैस है, उधर आरो लगा हुआ है, और ये बर्तन स्टैंड है। तो बस आर्या की अभी धीरे धीरे जो है स्केचिंग चल रही है, क्योंकि पेंटिंग थोड़ी टफ है, जो करता है वही जानता है। तो बहुत सारी बारीकियों का ख्याल रखा जाता है, तो आर्या वैसे भी थोड़ी सी बारीकियों के साथ ही कोशिश पूरी करती है अच्छी बनाने की, और ऐसी करती रहेगी तो एक न दिन बहुत अच्छी पेंटर ज़रूर बन जाएगी। मुझे वैसे भी किसी के टैलेंट को सराहना बहुत अच्छा लगता है, उसको आगे बढ़ाने में मुझे जो भी हेल्प हो सकती है मैं ज़रूर करती हूँ। और फिर ये तो मेरी बेटी है, इसको तो मैं बिल्कुल वो सब कराऊँगी जो इसकी इच्छा है करने की, जिसमें इसको इंटरेस्ट है। काफ़ी जो है तानी भी आ रहा को देख देख के बना रही है। तो यहाँ पे ये देखिए, थोड़े थोड़े से मैं ब्यूटी टिप्स भी फॉलो करती हूँ, जैसे कि मेरे चैनल का भी नाम है शालू इजी कुकिंग विद शालू एंड ब्यूटी एक्स। तो ब्यूटी एक्स के मैं बहुत कम वीडियोस डाल पाती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन जो बहुत मेन वीडियोस थे वो मैंने पहले आपको अपलोड कर दिए हैं, कुछ शॉर्ट्स भी डाले हैं। अब क्या है कि दिन भर बिजीनेस की वजह से मैं खुद ही नहीं फॉलो कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ तो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने पतले वाले साइड से ग्रेट कर लिया है, और ये आधा खीरा लिया है, इसको मैंने पील कर लिया है अच्छे से। इसको भी मैं ग्रेट करके इन सबों का पानी निकाल लूँगी, एक मलमल के कपड़े या कॉटन के कपड़े या सूती के कपड़े में जो पतला सा हो, इसमें डाल के अच्छे से पानी निचोड़ लेना, मैं सिर्फ पानी, और फ्रीज़र में रख देना जिससे कि बर्फ़ जैसा जम जाए। फिर उसकी आप लोग मसाज करेंगे ना फेस पे, देखना कैसे इंस्टेंट ग्लो आपके फेस पे आएगा, नेचुरल ग्लो। किसी और केमिकल वाली क्रीम या कोई भी सनस्क्रीन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
आप सुबह शाम कहीं बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं, इसकी हल्की सी 2 मिनट मसाज कर लीजिए। पहले आपको ये जमाने के लिए रखना पड़ेगा, तो लगभग 2-3 घंटे लगते हैं। अच्छे से जो आइस क्यूब टाइप, आइस क्यूब वाली जो ट्रे होती है उसमें रख दीजिए, या फिर ऐसे ही किसी कटोरी में, बाउल में, किसी में भी रख दीजिए। और बाद में उसको निकाल के किसी कपड़े के ऊपर रख के, जिससे आपके हाथों में बहुत ज़्यादा ठंडक ना रहे। और धीरे धीरे मसाज करिए। आप हाथों पे भी मसाज कर सकते हैं, फेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन लगभग 2-3 मिनट करना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं डेली एक कटोरी में कुछ ना कुछ बना के, कभी टमाटर का बना देती हूँ, कभी खीरे का, कभी आलू का। और कुछ नहीं होता तो मैं सिंपल पानी भी रख देती हूँ। जो आइस की मसाज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रोज़ मतलब आपको दिन में कम से कम 2 बार या 1 बार तो 2-3 मिनट के लिए करना है चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, फेस एकदम, खासकर जिनकी ऑयली स्किन होती है जैसे कि मेरी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो बस इसको मैं खीरे को भी ग्रेट करके और सब इन दोनों को मिला के कपड़े में डाल के अच्छे से इसका पानी पानी एकदम निचोड़ लूंगी और फ्रीजर में रख दूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े पर रख लिया है और देखिए पानी छूटने भी लगा है। तो इस तरह से एक पोटली जैसी बनाना है और अच्छे से इस पोटली को, जैसे मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, इस तरह से निचोड़ के इसका सारा पानी स्क्वीज कर लेना है। काफ़ी सारा निकलेगा। और आलू वैसे भी स्किन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, कच्चा आलू बहुत ग्लोइंग स्किन को बहुत हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है, वो भी सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी। मुझे तो वैसे भी आलू बहुत पसंद है खाना भी। तो ये देखिए खीरे और आलू का मैं इस तरह से खूब अच्छे से, जितनी मेरे अंदर ताकत होगी, इसलिए कपड़ा आपको एकदम पतला नहीं लेना कि वो फट ही जाएगा, हल्का सा उसमें मोटाई होनी चाहिए कि जितना भी आप दबाएं वो फटे बटे नहीं। ये देखिए ये फिलहाल मैंने इतना पानी निकाल लिया है, इसका सिर्फ पानी पानी है, जितना मेरे अंदर ताकत थी मैंने निचोड़ के निकाल लिया। इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी। और ये जो आलू और खीरा है इसको आपको फेंकना नहीं है, ये मत समझिएगा ये वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी डिशेस बन जाती हैं एक से एक। मैं इसकी डिश बनाऊंगी थोड़ी देर बाद, मैं हैश ब्राउन बनाऊंगी, जिसका वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ये देखिए कितने बढ़िया से, वैसे भी हैश ब्राउन जो डिश होती है आप लोग सर्च कर लीजिएगा हैश ब्राउन करके, पोटैटो की बनती है। इसी तरह से जो है पोटैटोज को ग्रेट किया जाता है, फिर एकदम चिल्ड पानी में डाला जाता है, उसके बाद उसको पूरा पानी निचोड़ लिया जाता है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई ड्राई होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको एक बर्तन में रख देती हूँ और अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी जब मैं बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। अभी तो हम लोगों ने लंच किया है तो अभी तो नहीं, जहाँ तक हो सकता है मैं शाम के स्नैक में शायद बनाऊँ, तो इसका मैं वीडियो आपके लोग के साथ में शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और अपना ये पानी भी फ्रीजर में रख देती हूँ, जिससे ये बर्फ़ जैसा जम जाए। और शाम को मैं उसकी मसाज करूँगी, मेरी बेटियाँ भी कर लेती हैं, आर्या मेरी बड़ी बेटी, और दोनों को ही बहुत पसंद है, मुझे पूरा पूरा फॉलो करती हैं वो लोग। और मैं भी कुछ नहीं कहती क्योंकि ये सारे नेचुरल चीज़ें हैं, इनको यूज़ करने में किसी का भी नुकसान नहीं होता है, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग कर सकते हैं, कोई केमिकल भी नहीं होता है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं रख देती हूँ फ्रिज में और इस कपड़े को मैं वॉश करके डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा 3 बजे से ज़्यादा हो गया है और मैं आई हूँ अपने जिम, जहाँ मैं रोज़ आती हूँ। मतलब ये मेरा कंपलसरी है मेरे फ्रेश माइंड एंड फिट बॉडी के लिए। मुझे थोड़ा सा घर से आउटिंग भी हो जाती है और मेरी बहुत ही फेवरेट जगह है, बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं आप लोग के साथ हल्का फुल्का शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं पहले भी आप लोग को जिम दिखा चुकी हूँ अपना। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आज बाइसेप्स कर रही हूँ। तो ये देखिए बाइसेप्स का मैं डंबल वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ। मेरे शालू फिटनेस क्लास वाले आप चैनल पे देखिएगा, हर एक एक्सरसाइज को पूरी शिद्दत और लगन के साथ, पूरे स्टेप्स के साथ मैंने बताया है। तो ये बाइसेप्स का पहला एक्सरसाइज था और यहाँ पे जो है ये भी बाइसेप्स का ही एक्सरसाइज होता है। पूरा मैं आपको दिखा नहीं पाई, कैप्चर नहीं हो पाया, जितना हो पाया ये मोटा मोटी बता दिया। ये भी बाइसेप्स में ही आता है इस तरह से। अगर आप भी जिम जाते हैं तो इस तरह से बाइसेप्स, बाकी के एक्सरसाइज के लिए शालू फिटनेस क्लास देखिएगा। फ्रेंड्स जिम से तो मैं आ गई हूँ। यहाँ पे आप लोगों को जैसे मैंने सुबह बताया था कि मैं हैश ब्राउन बनाऊंगी, तो जो ग्रेटेड आलू और खीरा था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए उसमें अभी भी थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है, वैसे तो पानी सारा ने छोड़ दिया था। तो चलिए देख लीजिए, मैंने जो है 2 मीडियम साइज के आलू और 1 आधा खीरे किया था, तो इसमें 3-4 तो बन ही जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2-2 टेबल स्पून अरारोट पाउडर और चावल का आटा लिया है। मतलब अरारोट पाउडर 2 टेबल स्पून है और 1.5 टी स्पून 1.5 चावल का आटा है, राइस फ्लोर। तो इनको डाल देंगे
अच्छे से, और फिर इसको ऐसे उछाल उछाल के मिक्स करना है। हैश ब्राउन की यही खासियत होती है कि एक एक जो लच्छा होता है आलू का उसमें एयर भरनी चाहिए और इनकी कोटिंग होनी चाहिए लेकिन एयर भरनी चाहिए। तो इस तरह से उछाल उछाल के बनाना है, इस तरह से अच्छे से उछालना है, इस तरह से, ये देखिए ऐसे ऐसे। तो ठीक है, अब जो है यहाँ पे मैं कुछ सीजनिंग ऐड करूँगी। 1/3 टीस्पून मैंने अनियन पाउडर लिया है, 1/3 टीस्पून गार्लिक पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो लिया है, एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, एंड 1/2 टीस्पून मेरी रेड चिली पाउडर है। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिली कट करके भी डाल सकते हैं, स्पाइसेस जैसे आपको पसंद हो। इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स, ये देखिए इस तरह से। अभी क्या है, ड्राई ड्राई है। अगर आपको पहले तो वैसे नॉर्मली अलग से भी आप हैश ब्राउन बना रहे हैं तो भी आपको आलू ग्रेट करके उसका पूरा पानी तो निचोड़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप सीजनिंग वगैरह ऐड करेंगे इस तरह से सारी चीज़ें, और ड्राई ड्राई होगा क्योंकि अभी ये एक टिक्की के शेप का बनता है तो हल्का सा मॉइस्चर तो ज़रूरी है। तो अब थोड़ा सा जो है आपको हल्का हल्का पानी के छींटे लगा के इतना बस करना है कि ये बंध जाए इस तरह से। अभी तो ये ड्राई है तो थोड़ा सा मैं पानी छींटे लगा देती हूँ। हल्का सा मैंने 2-3 छींटे पानी के लगाए, मतलब थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया, इससे थोड़ा कम गीला करना है। अब मेरा तो हो ही गया है, मेरी छोटी बेटी आ गई थी तो मैं उसके बातों में लग गई, तो इस तरह से मतलब हल्का और कम गीला होना चाहिए, बता देती हूँ मैं आपको। बस थोड़े से छींटे लगाने के बंध जाए। और यहाँ पर मेरा ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अच्छे से इसको हम इस तरह से डालते जाएंगे और दूसरा भी बना लेंगे इसी तरह से। मैंने कहा था ना ये थोड़ा टिक्की शेप में होता है, अगर ड्राई ड्राई होता ना तो इतनी इजीली नहीं बनता। हमें नीचे सरफेस पे लगा के फिर स्पून से उठाते फिर इस पे डालते इस तरह से वो बनता। तो चलिए इसी तरह से सारे कर लेने हैं। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कर रही हूँ, मीडियम हाई फ्लेम पर ही करना है आपको। इस तरह से टर्न कर लेना है, देख के जो भी आपको लगे कि टर्न करने वाला है। ये देखिए मेरे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से हैश ब्राउन तैयार हैं। ये देखिए कितनी कड़क की आवाज़ आ रही है। टोमेटो सॉस के साथ मैं सर्व कर रही हूँ, आप अपनी किसी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आते हैं फ्रेंड्स, आज मेरी हो रही है बच्चों के साथ पानी पूरी पार्टी। बच्चे खा रख चुके और उनका ट्यूशन शुरू हो गया, अब मेरी बारी है। मैं अपना थोड़ा सा काम कर रही थी तो चलिए अब मैं एंजॉय करने जा रही हूँ अपनी पानी पूरी। आप लोग बताइएगा किस किस को पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आप लोग के सामने एक बाइट ले ही लेती हूँ, थोड़ा सा लालच देना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अपनी पूरी को फोड़ रही हूँ। मुझे आलू की स्टफिंग से बहुत पसंद है, मटर मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं वही अपना बना रही हूँ। बहुत टेस्टी है, आप में से किन किन को पानी पूरी बहुत पसंद है कमेंट में बताइए मुझे। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है मैंने अपना लगभग हाफ मॉर्निंग टू दोपहर टू इवनिंग का थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ रूटीन शेयर किया है, क्या क्या मैंने किया, क्या क्या मैंने खाया, क्या मैं बना रही हूँ, किस एक ब्यूटी हैक भी मैंने शेयर किया आप लोग के साथ में, वो ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए, रामबाण इलाज स्किन के लिए, आपकी हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन के लिए और फ्रेश माइंड के लिए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। देखिए आलू खीरा टमाटर सबके घर में होता है तो उसमें से बस एक दो आपको, इसको वेस्टेज मत समझिएगा। आप जो टमाटर ग्रेट करके उसका आइस बनाएंगे तो उस जो टमाटर को आप छान के रखेंगे उसको आप सब्ज़ी में प्यूरी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। खीरा है, खीरे को ग्रेट करके आपने उसका पानी निचोड़ लिया, अब आप सोचेंगे ये तो वेस्ट हो जाएगा, आप उसका रायता बना सकते हैं। और आलू की तो बहुत सारी डिशेज़ हैं, जैसे कि मैंने हैश ब्राउन बनाया, इसके अलावा आप इस आलू को आटे में गूंद के पराठे बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे आप चाहें ना तो
कुछ भी वेस्ट ना हो। तो ये सारे आइडियाज़ आप लोग के काम आएंगे, मेरी छोटी सी टिप्स समझ लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।